नमस्कार, मैं सत्वत अब्बास, न्यूज 111 देख रहे हैं आप। बेगूसराय शूटआउट मामले में पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी केशर उर्फ नागा को मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन से जमुई जिला के झाझा स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि तस्वीर में नजर आ रहा शख्स केशव उर्फ नागा है, जिसने बेगूसराय में गोलीकांड को अंजाम दिया था। तस्वीर झाझा जीआरपी की ओर से ली गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सभी हमलावर बेगूसराय जिले के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। बेगूसराय में मंगलवार की शाम बछवारा थाने से चकिया थाना क्षेत्र तक 30 किलोमीटर के दायरे में दो बाइक सवार होकर 4 बदमाशों ने 11 लोगों को गोली मार दी थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से पुलिस ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। बताया जा रहा है कि सभी बेगूसराय में दहशत मचाने वाले, लोगों को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गुरुवार की देर शाम तक पुलिस ने बेगूसराय गोलीकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। बेगूसराय पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी जानकारी देर रात साझा करने की बात कही गई थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। फिलहाल बेगूसराय गोलीबारी कांड में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी करने की जानकारी मिल रही है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले पर पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। आपको बता दें कि मंगलवार की देर शाम अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। बेगूसराय जिले के बछवारा थाना क्षेत्र में शाम 5 बजे के करीब 2 लोगों को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी और भाग निकले। जब तक लोग कुछ समझ पाते ठीक 10 से 15 मिनट बाद तेघरा थाना क्षेत्र में भी 2 लोगों को गोली मारे जाने की खबर आ गई। इसके बाद फुलवरिया और चकिया ओपी के इलाके में 2 और 5 लोगों को गोली मार देने की घटना सामने आई है। पूरा घटनाक्रम लगभग 1.5 घंटे तक चला। इस दौरान केवल सड़क से गुजर रहे राहगीरों को गोली मारी गई। बाइक सवार बदमाश सड़क से गुजरते हुए करीब 30 किलोमीटर तक सफर तय कर गए, लेकिन कहीं किसी ने उन्हें रोकने टोकने की कोशिश नहीं की। नेशनल हाईवे तक पर पुलिस ने उन्हें नहीं रोका। पुलिस को मामला समझने में ही वक्त लग गया। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम अपराधियों के लगभग 30 किलोमीटर लंबे रूट पर कहीं भी उन्हें रोकने के लिए तत्पर नहीं दिखी। बेगूसराय के एसपी ने पुलिस गश्ती टीम की लापरवाही मानते हुए मामले में 2 सब इंस्पेक्टर, 2 सहायक सब इंस्पेक्टर समेत 7 स्टाफ को सस्पेंड करते हुए लाइन हाजिर किया। इस घटनाक्रम के दौरान अपराधियों के पटना की ओर भागने की सूचना सामने आई। बिहार पुलिस मुख्यालय ने पटना के साथ ही नालंदा, खगड़िया और समस्तीपुर जिले की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया। इसी बीच समस्तीपुर के उजियारपुर में रात के करीब 10:15 बजे बाइक पर सवार 2 संदिग्धों को पकड़ लिया गया। NH 28 पर बहरिया चौक के पास इन्हें पकड़ा गया। इनके पास पिस्टल और कारतूस की पूरी खेप मिली। पुलिस अभी इस संबंध में अधिक जानकारी नहीं दे पा रही है। पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा है कि पुलिस गश्ती में लापरवाही बरती गई है। अपराधियों का मकसद दहशत फैलाना हो सकता है। एसपी के असर से दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस मुख्यालय पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। पुलिस की अलग टीमों ने जगह जगह का CCTV फुटेज निकाला है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पेट्रोल का बढ़ा दाम, जब बाइक चलाना नहीं रहा आसान, तब हमने निकाला समस्या का समाधान। अब करेंगे साइकिल से रिपोर्टिंग। देखिए हमारे साथ साइकिल रिपोर्टर, सिर्फ News 111। News 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।